इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रतिभा स्थली में कार्यरत नंदुरबार के परिवार से ब्रह्मचारिणी करिश्मा दीदी एवं सीए ब्रह्मचारिणी नुपुर दीदी, व्रती परिवार वर पक्ष श्री प्रकाश चंद, श्री महेंद्र कुमार, श्री पंकज कुमार, श्री संजय कुमार एवं समस्त झांझरी परिवार नंदुरबार, वधु पक्ष श्री महेंद्र कुमार, श्री ऋखभ चंद जी एवं समस्त काला परिवार बोकटा महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं कठोर साधक, लेखक, इतिहासकार, आयुर्वेदाचार्य, गणितज्ञ, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर 23 जून 2023 को महाराष्ट्र की धार्मिक नगरी शिरडी के निमगांव निघोज स्थित साई पालकी निवारा में सानंद संपन्न हुए सम्यक संघ विशाखा के चक्रवर्ती विवाह समारोह की मांगलिक गतिविधियों के मनमोहक दृश्य। इस चक्रवर्ती विवाह के अंतर्गत जैन धर्म की मूल संस्कृति के अनुसार वर वधु ने धार्मिक संस्कारों के साथ सात फेरे लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। इस विवाह की खास बात ये रही कि इसमें वर एवं वधु पक्ष के लोगों ने आचार्य श्री के आशीर्वाद से संचालित चल चरखा से निर्मित वस्त्र धारण किए। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस प्रेरणादायक विवाह समारोह के अनुपम दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की असीम कृपा से झांझरी परिवार ने अपने इकलौते बेटे का विवाह प्राचीन संस्कृति चक्रवर्ती विवाह से करने का दृढ़ निश्चय किया। आचार्य श्री के दीक्षा दिवस के सो अवसर पर 23 जून 2023 को महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नगरी शिरडी के निमगांव निघोज स्थित साई पालकी निवारा में सम्यक संघ विशाखा के चक्रवर्ती विवाह समारोह का आयोजन किया गया। विवाह के मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत सम्यक जी ने प्रभु की शांति धारा करने के साथ की। शांति धारा करने के उपरांत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु का महामस्तक अभिषेक करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ओम रीम श्री वृष्वादि वीरांतान जले निष्णप्यामा, 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 ओम रीम श्री वृष्वादि वीरांतान जले निष्णप्यामा। अभिषेक करने के बाद श्रावकों ने प्रभु के शीश पर छत्र स्थापित करने के साथ ही चवर डुराकर श्रद्धा भाव के साथ अर्घ्य समर्पित किए। ओम रीम अष्ट प्रातिहार मध्य छत्रत्रयम् स्थापयामि, पद प्राप्तये अर्घ्यम् निर्वपामिति स्वाहा। ओम रीम श्री वृष्मादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः, अर्घ्यम निर्वपामिति। आपके पावन चरणारविंद में हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सबको शीघ्र दर्शन प्राप्त हो और शीघ्र आपका मंगल आशीष मिले, इसी मंगल कामना के साथ अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निरपामिति। इधर चिरंजीव सम्यक जी ने प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान किया, तो वहीं विशाखा जी ने चबल डुरा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तेरे पर हुए विराज नगाड़ा बाज रहा, प्रभु सिर पर हुए विराज नगाड़ा बाज रहा, बोलो 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 जय बोलो पारसनाथ की जय, बोलो जय बोलो प्रभु की जय बोलो। अगले क्रम में वरवधु के साथ परिजनों ने गंधोदक मस्तक पर धारण करते हुए मंगल दीपक से प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं,
इह विधि मंगल आरत कीज पंच परम पद वज सुख दीज। पहली आरत श्री जिन राजा भव दधि पार उतार जिहाजा। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया पांडुक वन अभिषेक कराया। आरती के पश्चात नव दंपति ने प्रभु के समक्ष शीश झुकाकर अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना की। व्याम नमा क्षिति तलामल भूषणाय तोभ्याम नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय नमोस्तु। अगले क्रम में दूल्हा बने सम्यक जी परिजनों के साथ झूमते थिरकते घोड़ी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल की ओर सवार हुए, तो वहीं बैंड बाजों की ध्वनियों पर परिजन एवं शुभचिंतक आनंद विभोर दिखाई दिए। वधु पक्ष ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर वर पक्ष को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया, तो वहीं विशाखा जी ने सम्यक जी को पुष्पमाला से सुशोभित किया। इस अनूठी विवाह पद्धति के अंतर्गत खास बात ये थी कि इस चक्रवर्ती विवाह में वर वधु और अन्य परिवारजन परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर श्री महामुनिराज के द्वारा संस्कृति बचाने एवं ग्रामीण महिलाओं को स्वाश्रित करने के उद्देश्य से निर्देशित हथकरघा प्रकल्प चलचरखा योजना के अंतर्गत निर्मित पोशाकें पहने हुए थे। चलचरखा से निर्मित इन पोशाकों को सर्वप्रथम प्रतिभास्थली की बहनों द्वारा निर्मित किया गया। संस्कृति और सुंदरता को ध्यान में रखते हुए बहनों ने राजस्थान चनिया चोली का चुनाव किया। फिर अद्भुत जैक्वार्ड पद्धति से कपड़ा बनाया गया, जिस पर जैक्वार्ड वस्त्र की बुनाई की गई, जो अत्यंत कठिन होती है। कपड़ा बनाने के पश्चात इस पर आरी की सुई से सुंदर रचना की गई। इसके अलावा मोती एवं अन्य पदार्थों से बहुत बारीक साफ सुंदर और मनमोहक काम किया गया। इसकी बुनाई को कुल 20 युवतियों ने 20 दिन लगातार परिश्रम करके पूर्ण किया। स्त्रियों के 16 श्रृंगार कहे जाने वाले श्रृंगार में अंगूठी, मांग टीका, कान की बाली, झालर एवं पर्स भी यहां बनाया गया। विवाह में चलचरखे से निर्मित पूर्णतः हस्त निर्मित पोशाकों का प्रयोग किया गया। बारात के स्वागत सत्कार के बाद वर वधु ने समारोह स्थल में भव्यता के साथ प्रवेश कर वातावरण में हर्षोल्लास का रंग भर दिया।
हर्षोल्लास के वातावरण में सौभाग्यशाली वर वधु ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो वहीं समारोह में उपस्थित विशिष्ट जनों ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में अब समय आया सौभाग्यशाली सम्यक एवं विशाखा के चक्रवर्ती विभाग के धार्मिक संस्कारों का। सर्वप्रथम वरवधु ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में दिशा शुद्धि की क्रियाओं को कर विधान पर अर्घ्य समर्पित किए। ओम राम रीम रोम रोम रहण बोलोय सब सहुणम राम रीम रोम रोम रा सर्व दिशा समगतान विघ्नान निवारण निवारे मदक चंदन तंदल पुष्पिकै चरिषु दीप सुदोप कलर अवल वंगामिति सर्व साधु पंच परमेश्वरेभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामिति मूल संग सिद्धि संसुक्त तै कि हेतु जिनेन्द्रिय विधि रे अर्घ्य समर्पित करने के बाद वरवधु ने परिवार सहित मंडल जी पर मंगल कलश स्थापना एवं अखंड दीप प्रज्वलित कर श्रीफल अर्पित किए। तीर्थ नामनी मंदिर देवादिदेव श्री कजराज पार्श्वनाथ दिगंबर जन प्रतिमा समक्ष बीन निर्वाण संवत 2548 तमे वर्षे श्री चक्रवर्ती विवाह परिणय उत्सवे श्री आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे शुभ पंचमी तिथौ वार शुभ शुक्रवासरे श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्मक्षयार्थम मुख्य परमेष्टी मंडल मध्ये मंगल कलश स्थापनम करोमि। ओम री मातुलवल वीर सहजाति सगुण भूषित अरहत परमेष्टिभ्यो अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। अगली कड़ी में वरवधु ने प्रभु के समक्ष एक दूसरे को वरमाला पहनाने के साथ ही मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित कर अपने जीवन के लिए मंगल कामना की। मंगलम जल परशुराम भगवान की हर जिंदगी में उनकी बदलाव हो गया जिनको परशुनाथ से लगाव हो गया। पूर्ण अर्घम मार्गम निर्वपामिति परमेष्टि पद की पंच इष्ट की जो भव तेजा भक्त कर। अब समय था कन्यादान का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में परिजनों ने कन्यादान की मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न किया। मुझे आपकी पुत्री सहर्ष स्वीकार है। मामा जी और माँ बोले आप इसका धर्म से पालन कीजिएगा। मैं आपकी पुत्री का धर्म से अर्थ से काम से वस्त्र आभूषण से अच्छी तरह पालन करूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपकी पुत्री को मैंने देवशास्त्र गुरु की साक्षी में स्वीकार कर लिया है। अब आप निश्चिंत होइए। ओम नमोते भगवते श्रीमते श्री वर्धमान श्री वल आयु आरोग्य संतान विवर्धनम भक्तो इमाम कन्याम अस्मा कुमार ददामि झूम छीम हम सह स्वाहा। ओम नमोते भगवते श्रीमते श्री वर्धमान श्री वल आयु आरोग्य संतान अभिवर्धनम भक्तो इमाम कन्याम अस्मा कुमार ददामि झूम छीम हम सह स्वाहा। कन्यादान के उपरांत वरवधु ने हवन कुंड में आहुतियां देकर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। ओम रिम जिन चित्तालेभ्या ओम रीम सम्यक दर्शनाय ओम रीम सम्यक ज्ञानाय अनंत ज्ञानाय नमः अनंत दर्शनाय नमः अनंत वीर्याय नमः। विवाह के अगले संस्कारों में प्रतिष्ठाचार्य जी ने वरवधु का पवित्र गठबंधन कराया और सात फेरे दिलाते हुए सात जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प दिलाया। मेरे कुटुंबियों की विनय आदर सत्कार करना करोगी। प्रतिज्ञा है मम आज्ञा ना लोपनिया मेरी आज्ञा को कभी भंग मत करना नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है? सत्पात्रादि मुनि आरिका श्रावक श्रावक अभी टाइम है तुम्हारी में रुको
श्राविका श्राविका आदि के घर आने पर अपने मन को कलुषित मत करना कर। इस बात का विश्वास तो हमें भी है। इस प्रतिज्ञा का मतलब है कोई भी यदि श्रावक श्राविका मुनि आरिका गांव में नगर में घर में आते हैं तो उनकी यथा योग्य विनय आदर सेवा आदि हमें करनी है। इसके लिए तो ये दोनों पूरा परिवार दोनों का सर्वश्रेष्ठ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अगले क्रम में वर ने वधु की मांग में सिंदूर भरने के साथ ही गले में मंगल सूत्र पहनाकर विवाह संस्कार की क्रियाओं को विधि पूर्वक पूर्ण किया। मंगल मंगलम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्व कर्माणाम जयनम गतो वर्धमान मेरे हम जीव कमा उस देश की आई चक्रवर्ती विवाह समारोह के धार्मिक एवं हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में संपन्न होने के उपरांत परिजनों ने प्रसन्नता जताने के साथ ही चक्रवर्ती विवाह को बढ़ावा देने के संदेश देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर मेरी दो नंबर की बिटिया विशाखा का चक्रवर्ती शुभ विवाह नंदुरबार निवासी सम्यक जी के साथ सानंद संपन्न हुआ। ज्ञान तीर्थ के इस परम पावन तीर्थ क्षेत्र पर विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य सुधा सागर जी मुनि महाराज की प्रेरणा से अक्षय सागर जी मुनि महाराज, नेमी सागर जी मुनि महाराज, अचल सागर जी मुनि महाराज, शैल सागर जी मुनि महाराज तथा दुर्लभ सागर जी गुरुदेव, संधान सागर जी गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद से इस स्थान पर मेरी बिटिया का चक्रवर्ती शुभ विवाह सानंद संपन्न हुआ है। मैं सभी समाज से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ से आगे जो भी शुभ विवाह करेंगे वह चक्रवर्ती शुभ विवाह ही करें, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए सबको जय जिनेन्द्र। जय। बहुत ही सौभाग्य रहा कि आचार्य के दीक्षा दिवस के दिवस ही हमारे लड़के चिरंजीव सम्यक पंकज कुमार झांझरी का शादी चक्रवर्ती विवाह के रूप में इस शिरडी में ज्ञान तीर्थ में आयोजित किया गया और बहुत ही सुंदरता से चक्रवर्ती विवाह संपन्न हुआ। और हम सभी परिवारों का बहुत भाग्य रहा है कि गुरु जी के आशीर्वाद के साथ यह कार्य संपन्न हुआ। इसलिए मैं गुरु के चरणों में बारंबार त्रिवार नंदन करता हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की जय हो। आज दिन आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से शिरडी में काला परिवार मेरी भतीजी चीसों का विशाखा एवं नंदुरवार परिवार के झांझरी परिवार के सुपुत्र चिरंजीव सम्यक जी इनका शुभ विवाह चक्रवर्ती पद्धति से यहाँ पर आज साजरा हुआ। कोपरगाँव, येवला, वैजापुर, नंदुरबार एवं सभी महाराष्ट्र से बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित थे। एक चक्रवर्ती विवाह की प्रेरणा आचार्य श्री से जो प्राप्त हुए बहुत बहुत सभी लोगों ने बहुत आनंद लिया। इस चक्रवर्ती विवाह में जहां एक ओर जैन धर्म की विशेष संस्कृति दिखाई दी तो वहीं वर वधु द्वारा की गई धार्मिक एवं मांगलिक क्रियाएं प्रेरणा का स्रोत बनी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे प्रतिभा स्थली में कार्यरत नंदुरबार के परिवार से ब्रह्मचारिणी करिश्मा दीदी एवं सीए ब्रह्मचारिणी नुपुर दीदी, व्रती परिवार वर पक्ष श्री प्रकाश चंद, श्री महेंद्र कुमार, श्री पंकज कुमार, श्री संजय कुमार एवं समस्त झांझरी परिवार नंदुरबार, वधु पक्ष श्री महेंद्र कुमार, श्री ऋखभ चंद।